नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संगीता स्पेन में। आज का हमारा टॉपिक है बांस बम्बू। बांस एक ऐसा पौधा होता है जो ग्रैमिनाई कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है, जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम बैम्बूसा बुल्गारिस है और हिंदी में इसे बांस या बम्बू कहते हैं। बांस का पौधा अनेकों मुश्किलों के बावजूद भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बांस का उपयोग अस्थमा, कफ और अनेक बीमारियों में किया जाता है। बांस का जूस एवं दवाइयां भी बहुत किफ़ायती होती है। बांस का ज़्यादा उपयोग जूस और दवाइयों में किया जाता है। बांस की जो कोपलें होती हैं उनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ई, ए, बी सिक्स, मैग्नीशियम, कॉपर आदि अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं। बांस की कोपलों को खाने से हड्डियां मजबूत होती है। इसी कारण से आयुर्वेद में बांस को अनेकों बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि अगर जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती या जिनमें कोई इस हाइट को लेकर प्रॉब्लम है, उनको बांस का अचार या बांस का मुरब्बा खिलाया जाए तो यह बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है तथा अंदरूनी ताकत बढ़ाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा रखता है। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बांस का अचार, बांस का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं भी अपने घर पर बच्चों के लिए बांस का मुरब्बा अक्सर यूज करती हूँ और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले। बांस के पौधे की लंबाई लगभग 25 से 30 मीटर तक की होती है और इसके पत्ते लंबे होते हैं। कहा जाता है कि बांस गर्मी के मौसम में फलता फूलता है। बांस के लगभग 24 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनमें पुष्प उनके जीवन काल में एक ही बार आते हैं तथा कुछ समय के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं पुष्प, और कुछ जातियों में फूल 3 साल में एक बार आते हैं। इनमें से कुछ जातियाँ बांस की ऐसी हैं जिनमें प्रतिवर्ष फूल आते हैं। अब बात करते हैं बांस के क्या क्या फ़ायदे हैं। बांस लंग्स के इन्फेक्शन को कम करता है। अगर लंग्स में सूजन हो तो बांस के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10-20 मिली मात्रा में पानी या वैसे बिना पानी के इस पत्ते के काढ़े का अगर हम गरारा करते तो इससे लंग्स की सूजन कम की जाती है तथा उससे खांसी या गले में दर्द या गले से संबंधित कोई और परेशानी है तो वो भी दूर होता है। साथ ही बांस मोटापे को भी दूर रखता है। जो बांस का जूस, बांस का मुरब्बा, अचार जो भी संभव हो सके उसे शामिल करना चाहिए। मोटापे को कम करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। साथ ही बांस इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। बांस में मौजूद विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंटल इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और बांस का अच्छा उपयोग जैसे परेशानियां होती हैं, पेट दर्द होना या उनका मासिक चक्र जो है अनियमित रहता है, फिक्स डेट पर नहीं होता है या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी अगर हम बांस का उपयोग करें, ये एक घरेलू उपचार होता है। इसके लिए लगभग 25 ग्राम वंशपत्र तथा 50 ग्राम सतपुष्पा जिसे सोआ भी कहते हैं उसे बनाकर उसको इन दोनों को मिक्स करके काढ़ा बनाया जाए तथा इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और इसे पी लें इस काढ़े को, तो इससे जो भी मासिक धर्म या पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। अल्सर की समस्या है किसी को तो उसमें भी बांस का उपयोग किया जाता है। कभी कभी अल्सर के घाव जो होते हैं उनको सूखने में टाइम लगता है या फिर उन पस भर जाता है, तो ऐसे टाइम पे बांस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बांस के पत्तों का सेवन करना होता है। बांस के पत्तों का काढ़ा बनाकर उस जगह पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर घाव हो रखा है। धीरे धीरे घाव अपने आप ही ठीक होने लगता है और सूजन में भी लाभ हो जाता है इससे। ये तो थे बांस के फ़ायदे, और बांस के फ़ायदों को और अधिक जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग संगीतास्पेन.com पर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बांस के पौधे से होने वाले नुकसानों के बारे में। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो बच्चों को दूध देती हैं उन्हें बांस का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें बांस से बने हुए अचार, मुरब्बा या जूस नहीं खाना चाहिए। इससे ये होता है कि नियमित सेवन से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका गर्भपात होने का डर रहता है, या जो महिलाएं अभी इस जूस को पी रही हैं और उनके बच्चे बच्चे नहीं हैं तो उनको गर्भधारण में भी मुश्किल हो सकती है, प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम होती है। और अगर इसके बेनिफिट सुनने के बाद अगर आप इसको पीना ही चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लो, उसके बाद ही इस बांस से बने हुए चीज़ों का यूज करें।
अगर बात करें बांस को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके मुरब्बे अचार या जूस को किस हिसाब से लेना चाहिए, तो वो सब आपकी उम्र के हिसाब से ही होता है। स्वस्थ व्यक्ति और स्थितियों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का शरीर किस तरह का है और अभी मौसम कैसा है। ये चीज़ें मौसम पर भी डिपेंड करती हैं कि आप किस मौसम में इन चीज़ों को कितना ले सकते हैं। और बांस की फिक्स मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितना इसके निर्धारित खुराक होनी चाहिए, इस बारे में कोई भी अनुमान अभी तक है नहीं। अगर बात करें बांस के मुरब्बे या अचार की, तो बहुत लंबे समय से विदेशों में बांस का मुरब्बा या अचार इसको बहुत पसंद किया जाता है, जिसकी शुरुआत हालांकि भारत से ही हुई थी। भारत के शहरों में ही सबसे पहले बांस का अचार और मुरब्बा बनाया गया था और उस टाइम पे इसकी कीमत करीब करीब 700 से 7,000 रुपये तक के आसपास की आँकी जाती थी। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग कीमतें थी। बांस का मुरब्बा छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे अच्छी तरह से धोने के बाद आप घर पर खुद भी बना सकते हैं। अगर आप बांस का मुरब्बा कैसे बनाएं इस विषय पर जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मेरे ब्लॉग पे पोस्ट लिखी हुई है, आप उस पर और अच्छे से देख सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रही हूँ। अगर आप घर पर खुद बांस का मुरब्बा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बांस के छोटे बनाने के लिए सबसे पहले आप बांस के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और उन्हें अच्छे से धो लें। उसके बाद एक पैन में कुछ पानी डालें जिसमें आपका बांस पूरी तरीके से डीप हो जाए, भीग जाए, डूब जाए। उसके बाद उसमें दालचीनी, इलायची पाउडर, चीनी और नींबू का रस डालें और फिर इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए रख दें। बीच में थोड़ा बहुत चेक कर लें किसी चीज़ से, अगर कोई जैसे चाकू की नोक या छुरी कांटा कोई इस पर ऐसे चुभाने पे चुभने लगे, तो अब आपका मुरब्बा तैयार है। इसको आप कभी भी किसी भी कांच के बर्तन में रख कर अपने खाने के साथ या सुबह किसी भी टाइम पर अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। बांस को या बांस की खेती को हरा सोना कहा जाता है। बांस की इतनी सारी क्वालिटियाँ हैं कि इसको लोग सोने से आंकते हैं। कहा जाता है कि बांस हरा सोना है। बांस के एक पौधे की आयु, एक पौधे का जीवन काल जो होता है 1 से 50 वर्ष तक का होता है। जब तक कि फूल नहीं खिलते, फूल बहुत ही छोटे और रंगहीन बिना डंठल के होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे में। कहा जाता है कि बांस तभी फूलता है जब सूखे के कारण खेती मारी जाती है, दुर्भिक्ष परिणाम होते हैं इसके। शुष्क एवं गर्म हवाओं के कारण पत्तियों के स्थान पर कलियाँ खिलने लगती हैं। अगर बांस के फूल आने लगे तो इसका मतलब है कि सूखा हो चुका है या सूखा होने के संकेत होते हैं बांस के फूल खिलना। बांस की खेती की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बांस की खेती में पानी नहीं लगता है, नाम मात्र पानी लगता है। ये बिना अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये इससे बांस की खेती खराब हो सकती है, आपके बांस सड़ सकती है। और यह भी आवश्यक नहीं कि इसके लिए आप उपजाऊ ज़मीन लें, इसके लिए आप बंजर भूमि का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर कोई बांस की खेती करना चाहता है और उसके पास उपजाऊ ज़मीन नहीं है, उसके खेतों में कोई और अनाज लगा हुआ है, तो कहीं पर भी बंजर भूमि में भी बांस की खेती आसानी से कर सकता है। अगर आपको बांस से संबंधित जानकारियाँ पसंद आई हैं, तो इस पोस्ट को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे जानकारियाँ अन्य लोगों तक भी पहुँच सकें। और ऐसी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।